A very good evening to all of you and welcome to our YouTube channel WSBCC Classes. Friends, यहाँ पर चैप्टर 6 यानी कि ट्रेंगल चैप्टर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, देख लेते हैं पूरी जो है जानकारी को. तो वीडियो को स्टार्ट कर लेने से पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन हूँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे. रही बात लेटेस्ट अपडेट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी के 50% आवेदन से अभ्यर्थियों की सांस फूलनी शुरू हो गई है. शिक्षक नियोजन का ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, तो आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा. और यहाँ पर चैप्टर 5 का अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप लोग इसे भी जरूर देख लीजिएगा. उसके बाद डेली लेटेस्ट बिहार लेटेस्ट न्यूज बॉक्स नंबर 19 आप लोगों ने नहीं देखा तो बहुत अच्छी चीज को मिस कर दीजिएगा, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा. उसके बाद यहाँ पर बिहार न्यू रिक्रूटमेंट की बात किया जाए, नगर विकास विभाग में इंजीनियरों की बंपर भर्ती आने वाली है तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा. उसके बाद शिक्षक नियोजन से रिलेटेड 3 अपडेट को एक ही वीडियो में मैंने दिया है तो इसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा. और चैप्टर 4 का सोल्यूशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लीजिएगा. ये सारे के सारे लाइव टेस्ट होते हैं आपका, तो आप लोग आंसर भी करते रहिएगा. जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इस तरह लिया है इस चैप्टर से, उससे पहले इस चैप्टर से कुछ थ्योरी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ. जो है सबसे पहले आपको थेल्स पर में आप लोगों को मालूम ही होगा. जी हाँ फ्रेंड्स, क्या होता है थेल्स पर में? किसी त्रिभुज, जी हाँ, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य खींची गई रेखा त्रिभुज के दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है. ये थेल्स पर में, और इसका विलोम जस्ट उल्टा हो जाता है. अगर दो भुजाओं को कोई रेखा, त्रिभुज के दो भुजाओं को कोई रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है. ये आप लोग याद किए होंगे अच्छे से. बट इसमें जो है आपको याद रखना है कि समरूपता का दो कसौटी होता है. दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब, जी हाँ, एक ट्रेंगल ABC और दूसरा ट्रेंगल आपका हो गया DEF, ये दोनों समरूप तभी होंगे जब इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण A बराबर कोण D, जी हाँ. और उसके बाद कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण जो है यहाँ से E हो जाएगा. और उसके बाद जो है कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण F हो जाएगा. तो ये तीनों एंगल बराबर होंगे, भुजाएँ अनुपातिक होगी, यानी कि AB बटे में इसका हो जाएगा DE, AB बटे DE बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे EF. और लास्टली यहाँ पर जो है BC बटे EF के बाद यहाँ पर AC बटे DF हो जाएगा. AC बटे क्या हो जाएगा भाई मेरे, DF. तो ये दोनों कसौटी आपको याद रखना है कि भुजाएं अनुपातिक होगी और कोण आपस में, संगत कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे. उसके बाद कुछ आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय का भी याद रखना है. समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है, यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है बताइए, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है. ये आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला कम से कम ये, इसको आप इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हैं. H = रूट अंडर क्या होता है, P² प्लस में B² होता है. ये आप याद रखिएगा. एक प्रमेय और इसमें आता है ट्रेंगल वाले चैप्टर में, यानी कि ये प्रमेय का ही चैप्टर है, प्रमेय से रिलेटेड चैप्टर है. प्रमेय ये आता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात, उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है. मतलब कहना ये चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर आप लोग मान लिया जाए कि ABC और जो है DEF दो ट्रेंगल है, आपको मालूम ही है ये दोनों ट्रेंगल है. अच्छा, इसमें कहता है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रेंगल कह सकते हैं ABC, रेशियो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या निकालेंगे, DEF = यहाँ पर भुजा का वर्ग AB और DE का ले लीजिएगा, तो AB का स्क्वायर बटे में DE का स्क्वायर. आपको ये याद रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. तो ये कुछ थ्योरी है, बस इतना ही. तो आप लोग इसे दिमाग में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व एकदम चुटकियों में कर लेंगे. जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे 7:30 बजे डेली इवनिंग में. तो यहाँ पर देखिए 6ठे चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आ गए. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में AB = 6√3. अगर फिगर बना लिया जाए, कुछ इस तरह मान लिया जाए कि ट्रेंगल बना लिया जाए, तो AB और उसके बाद C हो गया. AB का मान 6√3 है, पुट कर दीजिए, आप लोग क्वेश्चन लिख लिया करो, ठीक है. और AC का मान जो है 12 है, उसके बाद जो है BC का मान 6 है. तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर अगर 12 का स्क्वायर देखा जाए तो 144 हो जाएगा, है ना. इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया कितना हो जाएगा, 36 दिया 3 6 18 8, बाकी 1, ठीक है.
और उसके बाद 3 3 9 1 कितना हो जाएगा, 10 108, यहाँ 6 का स्क्वायर कितना, 36, इसको जोड़ो तो कितना आता है, 8 6 14 4 144 आ जा रहा है। मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का वर्ग जो है 144 आ रहा है, और यहाँ अकेले का वर्ग 144 आ रहा है। मतलब ये कर्ण हो गया, ये लंब, या तो ये लंब होगा आधार, ये या तो ये आधार होगा, तो इस लंब और आधार का योग और इसके बराबर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बी कोण जो बन रहा है वो समकोण बन रहा है, अर्थात जो लोग भी ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस तरह सोचना आपको एट इज ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, ना कि सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग। यदि दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, याद आपको ये रखना है, दो बात आपको याद अच्छे से रख लेना है इस क्वेश्चन के लिए, विदाउट पेन उठाए आप इसको बनाइएगा, है ना। तो आपको याद रखना, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, नो डाउन, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा का मान पूछेगा तो उसका वर्गमूल निकाल देना है, स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है। अगर भुजा दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा पूछ रहा है तो वर्गमूल निकलेगा, और भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए 64 और 121 क्षेत्रफल है, तो इसका भुजा देखिए 64 का वर्गमूल, आप डायरेक्ट इसका जो है रेशियो ऐसे ही रखो और इसका वर्गमूल निकाल दो, 64 का 8 और 121 का कितना 11, तो 8:11 इसका राइट आंसर। जो लोग भी ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया, अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, क्या होता है अच्छा इस तरह देख सकते हो, ये 2a, ये 2a और ये भी 2a, तो यहाँ से एक लंब डाला तो इस तरफ a, इस तरफ a हो जाएगा। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, इधर लो या इधर लो, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करोगे, तो यानी कि 4a² और माइनस में a स्क्वायर कर दोगे, इसका रूट ओवर निकालोगे, यही ना करोगे, तो 3a² का रूट ओवर निकालोगे, तो रूट 3 और a² का वर्गमूल तो a हो जाएगा, तो रूट 3a ऑप्शन में है कहीं पर। जी हाँ, जो भी ऑप्शन बी मार रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लो आ गया फिर से एक क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 है, तो इसके क्षेत्रफल देखिए, भुजा दिया हुआ है, क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो 3:5 है, तो बस इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर और जो है 5 का स्क्वायर। अब फार्मूला पर बैठाते रहोगे 4 दिन लग जाएगा, बस डायरेक्ट इस तरह निकाल दो, 9:25। जो लोग भी आंसर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक जो है त्रिभुज है जिसमें ए डी ई समांतर बी सी के है, तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी हो गया, यहाँ पर डी ई हो गया, समांतर है, ए डी बराबर 3 दिया हुआ है, ए डी का मान 3 दिया हुआ है, इसका मान 5 दिया हुआ है, और उसके बाद ए ई का मान जो है 4 दिया हुआ है, 4.8, और तो आपको यहाँ पर ई सी का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो निकालोगे तो 3/5 बराबर क्या, 4/8 क्या, अनुपात, भुजाएं अनुपातिक होती है, इकटेगा 3 × 1 = 3, 1 × 3 = 18, 16 × 5 = 80, यानी कि 80.0। तो जो लोग भी इसका राइट आंसर सी कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। सभी आकृतियां समरूप है लेकिन वे, तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, पढ़िए आंसर कीजिए। जी हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो लोग भी आंसर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं, सर्वांगसम नहीं होंगे। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा, समरूप और सर्वांगसम की बात आई है तो थोड़ा सा समझ लोगे। समरूप एक रूप जैसा, जी हाँ, जैसे ये मैंने वर्ग बनाया और ये मैंने वर्ग बनाया, फिर इससे भी बड़ा वर्ग इस तरह बना लिया, तो ये तीनों वर्ग क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, एक रूप के जैसा कहलाएंगे। लेकिन अब सर्वांगसम की बात मैं किया करूं तो ये वर्ग है ना, जस्ट हूबहू इतना ही बड़ा एक और वर्ग मैंने बना लिया, तो ये दोनों वर्ग आपका क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्व अंग सम मतलब सभी अंग एक दूसरे के बराबर होंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे, और समरूप का मतलब एक रूप जैसा छोटा बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कन्फ्यूजन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। समान कोणिक है, समान कोणिक में जो है भुजाओं का अनुपात समान रहता है, किसने कहा अनुपात समान रहता है, थेल्स पर में मैंने बताया, तो जो लोग भी इसका राइट आंसर डी करें वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, फटाक से आंसर करो, मैंने अभी तुरंत बताया, तो जो लोग भी आंसर, वाह बहुत खूब, जो लोग भी ए आंसर करें वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्रिभुज एबीसी में एबी 6 सेंटीमीटर, बीसी 12 सेंटीमीटर। और देखिए ये तो क्वेश्चन लगता है रिपीटेशन है। जी हाँ, इसका राइट आंसर आप लोग फटाक से करो, क्या होगा विदाउट देखे हुए आप इसका आंसर करोगे। जो लोग भी आंसर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही करें, 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या होते हैं सभी वृत्त, आंसर कीजिए सभी लोग। जी हाँ, बहुत को बहुत अच्छा, जो लोग भी बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन त्रिभुज समरूप होंगे, तो जो लोग भी आंसर सी कर रहे हैं, जी हाँ बहुत ही राइट आंसर, समरूप जो होंगे समबाहु त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आकृति में देखिए ए और ए अनुपात बी जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो आनुपातिक संख्या हटाओगे तो 2x और यहाँ पर 3x हो जाएगा। और आपको मालूम है ये 90 डिग्री का है और ये तीनों इसका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो चलिए सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2x में 3x जुड़ेगा तो 5x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना 180, देन 5x इज इक्वल टू कितना 180 माइनस 90, देन x इज इक्वल टू कितना 90/5, तो ये कटेगा 5 बन जा 5 और उसके बाद 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, यानी कि 80 डिग्री जो है 18 डिग्री इसका राइट आंसर आ रहा है। और इसमें आपका मान जो पूछा जा रहा है ए और बी का मान पूछा जा रहा है, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, तो जो लोग भी ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कैसे 18 दूनी 36, तो 2x माने थे 3x माने थे, तो x का मान 18 रखो तो क्या आ जाएगा बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, अच्छा 4:9 है भुजाएं, तो क्षेत्रफल क्या होगा याद कर लीजिए, फटाक से आंसर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 16:81। जो लोग भी ये आंसर कर रहे हैं बी आंसर वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरह है, 180, ठीक है ये सिंबल देख लीजिए, बोल रहा 180 से जो है बड़ा और 360 से छोटा किस कोण का मान होगा, तो इसमें जो है अधिक कोण तो होगा ही नहीं, न्यून कोण भी नहीं होगा, न्यून कोण जो है 90 से बड़ा, 90 से छोटा, अधिक कोण 90 से बड़ा, 180 से छोटा, और यहाँ प्रतिवर्ती कोण इसका राइट आंसर, जो लोग भी सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, प्रतिवर्ती कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 14:9 जो है 9 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, 14 का स्क्वायर कितना 196 और 9 का स्क्वायर कितना 81। जो लोग भी इसका राइट आंसर बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आकृति देखिए, फटाक से आंसर कीजिए, एक्स का मान निकालना है, तो देखिए 17:34 हो रहा है, 2 मरते गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 2 मरते गुना कर दीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका 16 दिया हुआ है, तो कितने गुनी होगा, तो यहाँ पर आप 32 दे दीजिएगा, तो डायरेक्ट दुगुना करना होगा आपको, इधर भी दुगुना हो रहा है तो इधर भी दुगुना होगा, तो जो भी बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होगा, तो चक्रीय चतुर्भुज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि प्रत्येक भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि ये आप आंसर में देखिए कहीं पर है। जी हाँ, जो लोग भी सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो 7 नंबर चैप्टर के लिए अभी तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जी हाँ, हमारे बताए गए उत्तर में अगर आपको कोई गलत लग रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इस तरह के टोटल चैप्टर का सॉल्यूशन पाने के लिए अभी तुरंत ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको याद रहे 7:30, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।